if the Spirit of God comes to you right now, अगर परमेश्वर की आत्मा अभी आपके सामने आ जाए, and said to you, son or daughter, और आपसे कहे बेटा या बेटी, ask one thing you want to do for you. मुझे एक चीज बताओ जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं. What can you say? क्या बोलोगे आप? If the Spirit of God comes to you right now, I say, ask one thing. अगर परमेश्वर की आत्मा आपके सामने आ जाए और आपसे कहे बताओ क्या चाहिए तुम्हें, एक चीज बताओ क्या मांगो. क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था
तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझको दूंगा, वह मांग। छठे वचन में क्या लिखा है? सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहां तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है। साथ और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत से भारी नहीं हो सकती। नहीं, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। बस इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा और ना तो दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है, इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और ना बाद में कोई भी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन। सुलेमान was the king. वो एक राजा था। You know, when a king is asking something from God, it's different when an ordinary person is asking something from God. जब कोई साधारण मनुष्य परमेश्वर से कुछ मांगता है तो अलग बात होती है, लेकिन कोई राजा परमेश्वर से कुछ मांगता है तो अलग बात होती है। This is the king. ये एक राजा है। That is faced with so many difficulties. एक राजा जो बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है। And the Lord appeared to him. परमेश्वर सुलेमान के सामने आया। And God asked him, "What shall I give you?" वो कहता है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें? Solomon, God was expecting. Solomon has so many enemies. तो परमेश्वर ने सुना सुलेमान के बहुत सारे दुश्मन हैं, तो जरूर दुश्मनों का नाश ही मांगेगा। He could have asked God, "Please give me the strength to destroy my enemies." तो परमेश्वर उन्हें यही बोलेगा कि भैया मुझे ताकत दो ताकि मैं अपने दुश्मनों को मार डालूं। He could have asked God, and God, the king of Syria came to fight me, and my army couldn't be able to defeat them. I need extraordinary power to kill my enemies. तो परमेश्वर बोला कि शायद वो बोलेगा कि देखो इस देश का राजा मुझसे लड़ने आया था, मैं मार नहीं पा रहा, मुझे मारने की शक्ति दो। Or he could have asked God more money, more riches. या वो राजा था तो बोलेगा परमेश्वर मुझे और धन, और संपत्ति, और सोना दे दो। Like some of us now, our problem is mostly financial problems. हम में से अधिकतर लोगों की परेशानी आज पैसों की ही है। परमेश्वर से पैसा ही मांगते हैं। If you ask anyone to ask anything from God right now. अगर हम लोगों से पूछें कि बताओ परमेश्वर तुम्हें क्या चाहिए? Almost 95% you will see that something that has to do with पचानवे प्रतिशत लोग हमेशा पैसा ही मांगेंगे। But Solomon was suffering from something that is above finance. लेकिन आप देखिए कि कोई इंसान ऐसी परेशानियों को जूझ रहा है जो पैसे से कहीं ऊपर है। Solomon was fighting for something that he needs to liberate people. तो सुलेमान ऐसे लोगों से लड़ रहा था, उसको लोगों को छुटकारे की जरूरत थी। Was fighting for something that you cannot buy with money. वो ऐसी चीजों का सामना कर रहा था जो पैसे से नहीं ठीक हो सकता। Because everybody thinks that money is everything. क्योंकि हर कोई सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। But there is something that you need that in this world you cannot find it with money. लेकिन ऐसा बहुत कुछ है इस दुनिया में जो पैसे से आप नहीं पा सकते हैं। But what touched me was in verse 10. लेकिन हम दसवें वचन में क्या पढ़ते हैं? The speech
speech. They said that the speech pleased the Lord that Solomon has asked these things. Then God said to him, because you have asked these things and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. हम दसवें वचन में पढ़ते हैं, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु मांगी, ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक को मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। Solomon seeked what is called truth. He was seeking truth. He don't want to please himself, but he want to please others. He want to make sure that he did something that will not offend God, that he will do something that people will be happy of. तो सुलेमान ने अपना फायदा नहीं मांगा, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मुझे ऐसा विवेक दो ताकि मैं बुरे और भले की चीज समझ सकूं, ताकि मेरा फायदा नहीं लेकिन मेरे आसपास के लोगों का फायदा हो सके। And God said to him, और परमेश्वर ने कहा उससे, because you did not ask for riches, क्योंकि तुमने पैसा नहीं मांगा, because you did not ask for long life, दीर्घायु भी नहीं मांगी मुझसे, because you did not ask for the life of your enemy, और ना ही अपने दुश्मनों के जीवन को मारने के लिए मुझसे मांगा, so other things that God was expecting him to ask, तो परमेश्वर तो सोचा कि यही चीजें मांगेगा ये, so because you did not ask this, परमेश्वर कहते क्योंकि तुमने ये चीजें नहीं मांगी, all the things that you don't even ask, all the things that you don't even know that is good, I'm going to give you all. जो चीजें तुम्हें नहीं भी पता तुम्हारे जीवन में अच्छी, वो सब मैं तुम्हें इससे दूंगा। He asks for advice. He asks for wisdom. He asks for the strength which he can use and protect justice. उसने परमेश्वर से मांगी बुद्धि, ताकि मैं वो हर एक चीज का न्याय कर सकूं। Amen. Advice is wisdom. बुद्धि मतलब सलाह देने की बुद्धि। And many people don't know that advice is wisdom. बहुत सारे लोग नहीं समझते कि सलाह ही बुद्धि है। Solomon was asking. He went for advice. He has the means to choose anything in the presence of God. He has the power to choose to become the richest person on earth. He has the power to ask God, God, I want to be the president of the world. He has the power to ask God to take the lives of the enemies. तो जो सुलेमान था उसके पास अवसर था कि वो परमेश्वर से दीर्घायु मांगता, बोलता कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो, मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो, मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो ये सब मांग सकता था लेकिन उसने नहीं मांगा। God said to him in 14. परमेश्वर ने कहा उसे 14वें वचन। He said, if you walk in my ways to keep my statutes and my command and my commandments as your father David walked, then I will lengthen your days. हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वचन 3:14 में लिखा है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। This is to show us that we don't need to ask God for long life. इसका मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर से लंबे जीवन मांगने की जरूरत ही नहीं है। When we do good things in our life, God blesses us with long life. जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर अपने आप ही लंबा जीवन देते हैं। So protection is not something that you will ask God. तो सुरक्षा एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। It comes at the package of your good life. वो तो आपके अच्छे जीवन में पहले से ही आ जाती है। Because God follows you. He knows that you always do good. He knows that you are a very good person. So why should you ask for life from God? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे, पवित्र जीवन जी रहे, तो आपको सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सुरक्षा देगा ही। God knows that you need life to continue to dream good in life. परमेश्वर को पता है कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो, तो आपको जीवन की जरूरत, दीर्घायु की जरूरत है, लंबा जीवन। You shouldn't ask for good health because God knows that He has to keep you healthy for you to move doing good. आपको लंबे जीवन मांगने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है कि अगर आपसे ज्यादा अच्छे काम करवाने हैं तो आपको लंबा जीवन लेना ही पड़ेगा। The packages of God for those that seek wisdom. जो परमेश्वर की बुद्धि को मांगते हैं, वो पैकेज के अंदर सब कुछ लंबा जीवन भी आ जाता है। Let's go to Luke. हम बोलते हैं लुका का सुसमाचार। Luke chapter 2 verse 41 to 49. लुका का 2:14. Luke chapter 2 from 41 to 49. 85 पेज नंबर, नया नियम, 85 पेज नंबर, हिंदी बाइबल। लुका का सुसमाचार दूसरा अध्याय
41वां वचन से 49वें वचन पर Luke chapter 2 from 41 to 49 Luke 2 41 Luke 2 पर 41 बालक यीशु मंदिर में ओके पढ़ते हैं उसके माता पिता प्रति वर्ष फसे के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे फसे मतलब पासओवर जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और वे उसके माता पिता नहीं जानते थे तब वे ये समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है परंतु जो बात उसने कही उन्होंने उसे नहीं समझा Amen. It says here from 40, it says, His parents went to Jerusalem every year, the feast of Passover. Jesus Christ went with his parents. And suddenly Jesus disappeared. He was just 12 years old. They went for Passover. Maybe you went with festival with your 12 years old son. जैसे आप सोचे कि आप किसी त्योहार में अपने 12 साल के बच्चे के साथ जाते हैं और अचानक से वो दिखता ही नहीं और बताता भी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ और माता पिता डर जाते हैं अरे खो तो नहीं गया हमारा बच्चा इतनी भीड़ में They were going to the relative house and asking about Jesus. और भाग भाग के पूछ रहे आपने मेरे बेटे को कहीं देखा तो नहीं? They couldn't find Jesus. और मिल ही नहीं रहा यीशु कहाँ गया? So they thought that this was just some simple issue. तो उन्होंने सोचा कि कोई साधारण सी बात हो सकती है. It took like 3 days. लेकिन 3 दिन तक वो यीशु को ढूंढते रहा और नहीं मिला. Most people have gone to police and. आजकल के समय में तो पुलिस से ले जाएंगे और FIR करा देंगे. So say my child, my son is missing. कि मेरा बच्चा खो गया है, मिल नहीं रहा है. Because he took 3 days, they did not see Jesus. क्योंकि 3 दिन तक वो यीशु दिखा ही नहीं. And when they were looking for Jesus. और जब वो यीशु को ढूंढ रहे थे. Guess where you find Jesus? In the temple of God. और कहाँ मिलता है वो आराधनालय के अंदर. They saw Jesus. वो कहते हैं अरे यीशु तो यहाँ पर है. He was asking questions. और वहां पर जो बहुत गुरु लोग बैठे थे उनसे वो प्रश्न पूछ रहा था 12 साल का बच्चा listening to the teachers और बड़े ध्यान से सुन रहा था सारे the parents they sat and they were looking at Jesus और माता पिता बैठ के देख रहे 12 साल का बच्चा इतने बड़े बड़े लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है so they forgot about this was the child that was missing क्योंकि वो खुद ढूंढ रहे हैं ये बच्चा इसे ढूंढ रहे हैं और वो देखते सुनते रहते हैं so और बहुत अचंभित होते हैं they become so happy और खुश भी होते हैं अंदर अंदर because they never see Jesus in that kind of boldness asking teachers priests more older than he questions क्योंकि उन्होंने आज तक यीशु को ऐसे काम करते देखा ही नहीं कि अपने से इतने बड़े बड़े लोगों से प्रश्न पूछ रहा है 12 साल का बच्चा so people ask why did Jesus go to the temple कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि यीशु आराधनालय में क्यों गया in this modern time right now आजकल के समय में When your daughter, when your son maybe is missing. अगर आपको बेटा या बेटी खो जाए. If you find out that 80% where you will find them, if it is a girl, you will find them in their house. In a boyfriend house. तो अगर आपकी लड़की नहीं मिल रही तो जरूर किसी लड़की के साथ भाग गई होगी या उसके घर पे होगी. If you find that your daughter ran away. तो अगर आपकी बेटी भाग गई है. Maybe they ran away to go and do marriage with In a very far place in the husband house. कहीं दूर जाकर किसी का शादी कर ली होगी शायद उसने. At the age of 13, at the age of 14, at the age. 13-14 साल की उम्र में आप क्या सोच सकते हैं? If your son is missing. अगर आपका बेटा नहीं मिल रहा. Maybe he with his girlfriend in far away places. कहीं दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया होगा. This mostly where you find them. क्योंकि आजकल यही दुनिया चल रही है और आजकल यही काम होता है. Or you will find them in a group.
of smokers in a group of people, you know, living some kind of different lives. या फिर आप देखोगे वो भीड़ में झूठ के साथ बैठा हो सिगरेट पी रहा है या शराब पी रहा है. Maybe he will start to learn how to drink beer. शायद उसके दोस्त उसको शराब पीना सिखा रहे हो. Group of people who smoke. या शायद सिगरेट पीना सिखा रहे हो. He find their lives so enjoyable. और अपना जीवन के मजे ऐसे ले रहा हूं. I will say my parents leave me to enjoy my life. और माता पिता मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे एंजॉय करने दो. Never find an age, that age in the morning time that you go and you find them in the church praying. You go to the temple, you find that they say, no, leave me, I want to serve God. लेकिन आजकल के समय में आप बच्चों को ऐसा नहीं ढूंढोगे कि बच्चा नहीं मिल रहा था मम्मी मैं चर्च गया था ना इसलिए बता कर नहीं गए ये सब आप बच्चे नहीं बोलते. Because their parents could not think that they could find Jesus in the temple. क्योंकि यीशु के माता पिता को भी नहीं लगा कि बारातनाले के अंदर गया होगा बच्चा. First they went to the relative house. They went. पहले रिश्तेदार के घर गए, ढूंढने गए, दोस्तों के पास गए. कहाँ है यीशु? कहाँ है? When they find Jesus. और जब ये हो जब यीशु को उन्हें आराधनालय मंदिर में देखा. For 3 days he slept there, he ate there, he drank there, he meditated there with them, and he asked questions. तो 3 दिन तक वो वहीं पर था, वहीं पर सो रहा था, खा रहा था, लोगों से प्रश्न पूछा. The question is why Jesus was going to the temple. तो प्रश्न ये है कि यीशु आराधनालय में क्यों गया? Why at the 12 years of age did Jesus was at that time? क्यों 12 साल का बच्चा उस आराधनालय के अंदर? What led him to the church? क्यों वो उस कलीसिया के अंदर गया? Why he couldn't tell the parents? और क्यों वो गया अभी तो मम्मा पापा को बताकर क्यों नहीं गया? Why he disappeared? क्यों वो ऐसे अचानक से गायब हुआ होगा? That is the question. ये प्रश्न है. Why? No, like Solomon did. लेकिन हम देखते हैं सुलेमान ने किया. None of us here find out that the quest for wisdom. कि हमें पता है कि सुलेमान ने किया आजकल हम में से कोई भी परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगेगा. Is that this people you have possessed to survive in life? और बुद्धि ही ऐसा बड़ा हथियार है जो आपको जीवन चलने के लिए चाहिए. At 12, Jesus knows that he needs wisdom. 12 साल के यीशु को भी पता है कि मुझे बुद्धि चाहिए. At 12, Jesus knows that I need advice. उसे पता है मुझे सलाह की जरूरत है. I need people to guide me. मुझे चाहिए लोग कि मेरी गुआई करें. I need people to show me the way. मुझे चाहिए वो लोग कि मुझे सही रास्ता दिखाएं. I want to learn. मुझे सीखने की जरूरत है. But in this world right now. लेकिन इस दुनिया में आजकल. Advice is people see it as insult. अगर किसे सलाह लेने के आ रहे हैं बेस्ट होते हैं कि सलाह होते advice as meddling in my life. कहते नहीं नहीं ये चीज मेरे जीवन में सही नहीं. When people correct you, you get offended. और जब लोग आपको बोलते हैं कि गलत ऐसे मत करो तो मैं बहुत दुख होता है. When people guide you, look what you are doing is not right. जब लोग आपको कहते हैं कि नहीं ये जो तुम कर रहे हो गलत है मत करो तो मैं बहुत बुरा लगता है. You become provoked. If you are staying with somebody, you leave his house. अगर आप किसी के साथ रह रहे हो आपको टोक रहा है तो मुझे घर ही छोड़ के निकल जाओ. If I do one thing, he talks. If I do another, मैं कुछ कर रहा हूँ ये टोक रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ ये टोक रहा है, ये क्या है ये? Because people don't understand that wisdom is the key. लोग नहीं समझते हैं कि बुद्धि ही चाबी है. It's only the fool that's not want people to talk. सिर्फ बुद्धि ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है. When people talk, you learn. When people come, you took what they say. You try to find out. जब लोग आपसे कुछ कहते हैं तो आप समझने की कोशिश करते हैं. What is going to help your life? कि क्या आपके जीवन में लाभदायक होगा? Without wisdom. बिना बुद्धि के. You bound to fail. तो आप असफल ही रहेंगे अपने जीवन में. At first you may look like oh you have it all. शुरू में तो लगेगा अरे वाह सब कुछ है मेरे पास. Find out that it's only wisdom that will sustain you. लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी देखिए सिर्फ बुद्धि ही है जो आपको आगे बढ़ाती है और कोई चीज नहीं. Sustenance. आगे बढ़ाना. We always talk about sustenance, agricultural sustenance, everything, economy, we talk about sustenance. अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमेशा बुद्धि से ही वो चीज आगे बढ़ती है. Something that can, you know, lead you in the next 10 years, in the next 20 years, in the next 50 years. कोई भी चीज पहले चरण में तो हो जाती है लेकिन जो खींचने के लिए बुद्धि ही चाहिए. It is easy to start. शुरू करना तो बहुत आसान है. It is very easy sometimes to be rich. अमीर होना भी बहुत आसान है. It is easy sustain to save money. लेकिन पैसा संभालना. But the problem is the sustenance. लेकिन उसको लंबे समय तक संभालने के लिए बुद्धि चाहिए. Why some people they are rich in 220 and in 225 they become so poor? आप बहुत सारे लोग ऐसे क्यों जो 2020 में तो बहुत अमीर हुए 2025 तक आते दंगाल हो जाते हैं. Because they lack knowledge for sustenance. क्योंकि उसे बुद्धि नहीं कि कैसे उसको संभाल कर रखना है. But you see some people since 1990 and also in 220 they are also going to be rich. आप देखिए कुछ लोग जो 1990 में भी अमीर थे और आजकल अपने पैसे को संभाले हुए और अमीर हैं. Without wisdom, बिना बुद्धि के, we have nothing. कुछ नहीं है हमारे. Jesus gave us the answer to it. यीशु ने यहाँ पर जवाब दिया. He said, look, my parents, it's okay. You stay somewhere.
तो ठीक है अगर मैं कहीं पर था you have taught me a lot. आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है But I know where I'm going. लेकिन मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं People are going to face in life. लोग अपने जीवन में चीजों का सामना करते हैं. The Jews, they are most intelligent people in the world. वो अपने जीवन में समझदार लोगों को जोड़ते हैं. I know I will face them. मुझे पता है कि मुझे उनके पास जाना है. Jesus knew I have nothing in me. यीशु को पता था मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है. They are more educated. They have wisdom more than me. लेकिन वो जो वहाँ पर गुरु लोग बैठे हैं, बहुत बुद्धि है मुझसे ज़्यादा. If I don't prepare myself, अगर मैं अपने को तैयार नहीं करूँगा, I am defeated. तो मैं हार जाऊंगा अपने जीवन में। उसके पास सब कुछ था। He had all the money. वो राजा था, उसके पास पैसा भी होगा। He had all the army. आर्मी भी होगी। But he knows he had no wisdom. लेकिन उसे पता था कि बुद्धि अभी भी चाहिए। Because without the wisdom, क्योंकि बिना बुद्धि के he can be overthrown. हो सकता है अपनी राजनीति से उतर जाए। There are some presidents, they have the power, they have the army, they have everything. हो सकता है कोई और राजा है जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो, बहुत पैसा हो, वो आप इसको हरा दे। But the wise people take the money and take the power. लेकिन बुद्धिमान लोग ही दूसरे इंसान को हरा सकते हैं। You need wisdom to sustain your power. आपको अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत, अपने काम को संभालने के लिए बुद्धि चाहिए। That is the world we are today. इस दुनिया में आज जैसे हम हैं। Don't take offensive when somebody advises you. अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है, तो बुरा ना माने। Do not take offensive when somebody says something. अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है जो आपकी सोच से उल्टा है, उसे बुरा ना माने। Because your mind is have rejected what that person said. क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले से नकार देते जो सामने वाला कहने वाला है। And everything he says, you coming as insult, you coming as attacking you. You know, you have closed your mind that you don't want to hear anything from what the person is saying. क्योंकि अपने दिमाग को बंद कर दे कि सामने वाला जो बोलेगा मैं सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। But a wise president. लेकिन समझदार एक बुद्धिमान राष्ट्रपति That your critics are your strength. उन्हें पता है कि जो मुझे गलत बोल रहे हैं, वो ही मेरा सामर्थ्य है। You see those that criticize you. आप उन लोगों को देखें जो आपको हमेशा उल्टा बोलते हैं। They are your strength. वो ही आपको ताकत देते हैं। But only. लेकिन सिर्फ तब। A wise person knows that. जब बुद्धिमान है इंसान, तभी वो चीज को समझेगा। If you label your critics as your enemy. अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मुझे गलत बोल रहे हैं, मेरे दुश्मन हैं। You lack wisdom. तो आप में बुद्धि नहीं है। कम है। If someone that criticizes you every time. अगर कुछ लोग आपको हमेशा बोलते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। You love the person as your enemy. तो आप वो सोच रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन है आपसे? You lack wisdom. तो आप में बुद्धि की कमी है। Because it is your critics that tells you the best direction, how you are going to navigate, where you supposed to go. It is you learning from your critics. क्योंकि जो लोग आपको उल्टा बोलते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं, आप उन्हीं से सीखते हैं और आपको पता लगता है कि मैं यहाँ जा रहा था, ये गलत है, उसने कहा यहाँ जाओ, तो आप अलग दिशा में जाते हैं। It is your critics that gives you the secrets which you don't know. वही आपको रहस्य देते हैं कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। Because what is that? You spend your whole time monitoring them. They spend their own time monitoring you. So what you couldn't find in yourself, they find in you. तो जो चीजें आप अपने अनुसार तो अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि ये मत करो, तो वो आपके जीवन को देख रहे हैं और आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। And once they give you that secret, you can be able to adjust yourself. तो अगर वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सही करना है, तो अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। That is what Jesus knows. यीशु को ये चीज पता थी। Solomon knows wisdom. सुलेमान को पता था कि बुद्धि तो चाहिए। But have we ever thought that wisdom is something that I needed today? लेकिन क्या हम ये चीज समझते हैं कि मुझे बुद्धि की जरूरत है? Have you ever think that I need wisdom? कई बार आप ये सोचते हैं कि मुझे बुद्धि चाहिए? Because people think that wisdom, I don't need it. I need money. तो ये लोग प्रार्थना में बुद्धि नहीं मांगते, पैसा मांगते हैं। But you know that if you have wisdom, you have money. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर बुद्धि है तो पैसा तो अपने आप आएगा। If you have wisdom, you have it all. अगर बुद्धि है तो आपके जीवन में सब कुछ है। With wisdom, you can create so many things. बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में आप कुछ भी उपजा सकते हैं। With wisdom, you can be able to think about some part of life that people have never entered. तो बुद्धि के द्वारा आप जो लोगों ने अपने जीवन में नहीं करा, आप अपने जीवन में उन चीजों को कर सकते हैं। Amen. Amen. Let's go to 1 Samuel chapter 3. पहला शमूएल तीसरा अध्याय. 1 Samuel. 1 Samuel chapter 3. 332 पेज नंबर पुराना नहीं है. From 1 to 10. 332. पहला शमूएल तीसरा अध्याय 1 से 10.
Samuel chapter 3. शमूएल को यहोवा का दर्शन. From 1 to 10. 332 पेज नंबर पुराना नियम तीसरा अध्याय 1-10 पढ़े. वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था. उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था. और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था. जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा. उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, मैंने तो नहीं पुकारा. फिर जा, लेट रह. तो वह जाकर लेट गया. तब यहोवा ने फिर पुकारे कहा, हे शमूएल. शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा. फिर जा, लेट जा. उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था. फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया, कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है. इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा, लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया. तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल. शमूएल ने कहा, क्या है? क्योंकि तेरा दास सुन रहा है. Somewhere they call him. जो शमूएल नाम था. He lives with Eli. वो एली के साथ रहता था. Eli was a high priest. जो एली था एक महायाजक था. Somewhere was the little. शमूएल एक छोटा सा बच्चा था. No experience in life. But those things. The Bible says it's very rare for the Spirit of God to visit anyone in the dream. बाइबल कहती है कि उस समय परमेश्वर का दर्शन पाना या सपने में देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, नहीं दिखता था ज़्यादा. But Samuel found favor in the presence of God. पर शमूएल को परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शन. So God decided to visit Samuel in the dream. तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं सपने में जाके इससे बात करूँ. So when Samuel was lying down. जब शमूएल सो रहा था. The voice of God came to Samuel. परमेश्वर की आवाज आई शमूएल के पास. And said, Samuel, Samuel. कि शमूएल, शमूएल. Samuel got confused. शमूएल कहा, अरे कहाँ से आवाज आई? He went to Eli. वो एली महायाजक के पास गया. The master, the high priest. क्योंकि वो वहाँ का महायाजक था. He knocked at the door. और खटखट किया. So open the door. अरे दरवाजा खोलना. Eli says, Samuel, what is the problem? Why are you calling me at this midnight? एली कहता है, अरे इतनी रात को क्यों आया? भाई मेरी नींद खराब कर रहे. He said, no, you called me. अरे आपने तो मुझे बुलाया. So Eli said, no, I. एली कहता है, मैंने कब बुलाया? मैं तो सो रहा. Go back to sleep. चलो जाओ सो जाओ. चलो. Samuel said, okay, son. ठीक है, मैं जाता हूँ. रात के 3 बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? इतने रात को 3 बजे रन बैक अगेन टू एला. वो फिर से अपने मास्टर माया के पास आया. यू कॉल्ड मी. अरे आपने मुझे बुलाया है क्या? अरे क्या हो रहा है भाई? मैंने कब बुलाया मैंने तुम्हें? चलो चलो जाओ सो जाओ. Again the third time the voice came, Samuel, Samuel. और तीसरी बार फिर आवाज आती है, Samuel, Samuel. Samuel was this man. Samuel कहता है, ये आदमी तो बस. I know he hates me. मुझे पता ही मुझसे नफरत करता, रात को उठा रहा है. He don't want me to sleep. सोने नहीं देना चाहता मुझे. My 6 a.m. is going to wake me up. बार बार उठाई जा रहा है रात को. I can't sleep. सो ही नहीं पा रहा हूँ मैं. But Samuel. पर वो फिर वो इसका मास्टर है तो जाके पूछेगा. In his memory. फुड़फुड़ाते हुए जाता है वो. In his complaint. और शिकायतें करता हुआ जाता है. He didn't stay back. पर वो बैठा नहीं रहता लेकिन वो जाता है. He didn't like become afraid of maybe how harsh Eli was. चाहे उसका मास्टर कितना ही बुरी तरह से व्यवहार कर रहा हो, उसको ऐसा लगा तब भी वो फेल हो गया. He moved from his bed. He moved again. उसका मन नहीं था बिस्तर से उठने का, लेकिन फिर भी उठ गया. Eli, you called me. कहता, बोलो भाई सर, क्या बात है? क्यों बुला रहे हो रात को?
That is when airline news. अच्छा कुछ तो बात है ये बार बार रुक के आ रहा है. This is when airline said. मेरे दी ने क्या कहा? My son Samuel. कि मेरे बेटे सैमुएल. When that voice comes. अगर वही आवाज जो तुमने सुनी दोबारा चौथी बार तुम्हारे पास आए. Say to that voice. तो वो आवाज से कहना. Your servant is listening. कि परमेश्वर तुम्हारा सेवक सुन रहा. It is knowledge. इसके लिए बुद्धि चाहिए. To be said. कि समझ पाए the voice of man. परमेश्वर की आवाज और इंसान की आवाज में अंतर. And if not Eli. और अगर एली को Samuel would know even for 50 times that that is the voice of God. अगर एली चौथी बार में नहीं समझता जब 50,000 बार यही चीज होती रहती बार बार आवाज आती. The voice for wisdom. कि इसके लिए बुद्धि चाहिए. Was found in Samuel. शैमिल के अंदर परमेश्वर की बुद्धि मांगने की इच्छा थी. Many people would have took offense. बहुत सारे लोग तो बुरा मान जाते हैं. Many people would not have come back to Eli for the third time. कितने इंसान बार बार तीसरी बार भी सोते में जाके अपने याजक के पास जाते जाएंगे सोने तो देगी नहीं बुरा बुरा बोलेगी तो सिचुएशन में ही कॉल माय नेम तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही करते हैं. He don't want to tell me anything just to कुछ बोलना तो है नहीं आवाज लगाई जा रही जाता हूँ तो मना कर देते हैं. Some people say I've never seen wicked man like this. लोग कहेंगे अरे इतना बुरा आदमी आज तक नहीं देखा जो रात को 3 बजे उठाता हूँ. He just want to disturb my sleep. मेरी नींद खराब करना चाहता है. If I go to him, he say it's not. और जब जाता हूँ तो कहता है मैं बुराई नहीं रहा. We take offense. हो सकता है वो ऐसा बुरा मान जाता. We judge and we conclude. और ऐसा सोच के फिर सो जाता. We tell yes, this is what he wants to do. हो सकता है वो ऐसा ही चाहता हूँ. We say yes, I know he hate me. वो कहता है अरे मुझे पता है मुझसे नफरत करता है इसलिए रात को उठा रहा है तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा. You know, many people try to draw support, people try to draw compassion from people. Maybe if your parents are dead, you are staying with your aunt or you stay with maybe your uncle, you try to draw support. Yes, they are treating me this way because they know my parents are dead. तो कई बार ऐसा होता है कि आपके माता पिता की मृत्यु हो गई और आप अपनी आंटी अंकल के साथ रह रहे हैं तो वो आप सोचते कि नहीं ये उनसे काम ज्यादा कराएंगे नहीं वो ज्यादा सपोर्ट की उम्मीदें रखते हैं आपसे. People conclude with you because you have no parents. क्योंकि आपके माता पिता नहीं. They are treating you. हो सकता है वो बुरी तरह से व्यवहार भी करे. Nobody will lie not to support you. Everybody you get support from the passion. You have no parents. You are staying with them and they're treating you so bad. The way they wake me up, even they don't want to tell me anything. You know, we try to put a narrative that people, oh, yes, all of you, they're so wicked. तो हम लोग समझ जाते हैं कि ठीक है करुणा की वजह से ये लोग हम पे दया कर रहे हैं मेरे माता पिता नहीं है इसलिए ये मुझसे काम करा रहे हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. But knowledge does it come so easy? लेकिन क्या हमारे जीवन में बुद्धि इतने आराम से आती है? I don't think knowledge is so easy. हमारे भाई सोचते हैं कि बुद्धि इतने आराम से नहीं आती है. Even for you to graduate in school. अगर आपको graduate भी होना है. You see how many years you'll be toiling in lessons, you reading in books. आपको पता है कितनी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है कितना समय लगाना पड़ता है. Just you want to acquire knowledge. क्योंकि आपको बुद्धि चाहिए. It took you from when you were small up to 20-something years of age. आप देखिए आपके पैदा होने के 20 साल तक भी आपके बुद्धि आती रहती है. From one education, from one stage to another. तो पढ़ाई करते हैं तो एक जगह से दूसरे स्थान पे हम जाते हैं. You do the theory, you do the practical. आप थ्योरी भी करते हो, प्रैक्टिकल भी करते हो. Because you are pressed, you are going to learn something. क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं. But there are also the wisdom that we learn outside schools. लेकिन ये तो समझ ये तो पढ़ाई है लेकिन बुद्धि हमें कई बार स्कूल के बाहर जाके मिलती है. This is what the gift of God. और वो परमेश्वर की ओर से आता है. Samuel did not complain so much. शैमुएल ने ज्यादा शिकायत नहीं करी. Samuel did not have any grudges in his mind. और अंदर ज्यादा बुरा नहीं सोच रहा था. He did not put any conclusion. उसने कोई भी निर्णय नहीं लिया. Eli was lying. कि एली बुरा है कि झूठ बोल रहा है क्या? And he came to find out. और वो गया देखने के लिए फिर से. People are quick to judge. इंसान फटाफट से दूसरे का न्याय कर देते हैं. People are quick to conclude. एक आपके एक बुरे बर्ताव को देख के आपके बारे में बुरा सोचते हैं. You know, sometimes in this judgment we get it sometimes wrong. और कई बार हमारा न्याय लोगों की तरफ गलत भी होता है. 2 + 2 = 6. But in actual sense, the way we calculated it is not the way it is. लेकिन कई बार जब चीजों को लोगों को सोचते हैं कि वो ऐसे हैं वो वैसे नहीं होते. People always read action of anyone.
लोग हमेशा देखते कि वो कैसे काम कर रहे हैं. Because he did not pick my call. उसने मेरा फोन नहीं उठाया ना. That is, I know. That is because of this. ये कुछ ना कुछ ये बात हुई होगी. I know because I give him message, he did not reply. I know this is the hand. हम कहते हैं मेरे को मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया ना पक्का ये बात होगी. I know he asked me to come there, but he did not. I didn't come. I know this is it. मैं को बुलाया था नहीं आया ना पक्का यही बात. We always solve our mathematics. अपने दिमाग में सब कुछ करते रहते हैं ये हुआ और ये हुआ. In our own ways. अपने दिमाग से चलते हैं. That is not what Jesus Christ was trying to tell us. लेकिन यीशु हमें आज ये नहीं सिखा रहे. They were running for wisdom. वो बात कर रहे हैं बुद्धि. Samuel was in quest. जो शमूएल भी बुद्धि मांग रहा था. But remember with that Eli. आप ये चीज याद रखिए शमूएल के जीवन में बिना एली के he wouldn't have known that it was the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पाता. That means you need something. You need somebody to direct you. इसका मतलब हर किसी के जीवन में कोई आपको एक ऐसा चाहिए जो आपको परमेश्वर में बढ़ाए. You cannot be a master of yourself. आप अपने जीवन में खुद आगे नहीं बढ़ सकते. You cannot know everything by yourself. अपने आप हर चीज में आगे नहीं समझ सकते. Eli was the person that said, "Samuel, look at the way." Eli ही था वो जिसने बोला कि शमूएल जाओ दोबारा सो जाओ तो आवाज तुम्हारे पास आएगी तो ये बोलना. You need someone alive to give you knowledge. तो आपको भी अपने जीवन में कोई ना कोई चाहिए जो आपको बुद्धि दे और परमेश्वर में बढ़ाए. Knowledge comes with patience. बुद्धि हमेशा सहनशीलता से आती है. Without patience, you might miss them. अगर आप में धीरज नहीं है तो आपको बुद्धि नहीं मिल सकती. So people are not patient in life. कई लोग अपने जीवन में धीरज नहीं रखते. Who knows? Had it been Samuel was so angry. अगर शमूएल बार-बार जाके नहीं पूछता, धीरज नहीं रखता पूछने का. That he did not like go back for the third time to Eli. वही आवाज सुनने के बाद वो एक बार गया, दो बार गया, तीसरी बार भी अगर वो नहीं जाता. If Samuel had concluded. अगर शमूएल ये सोच लेता. He wouldn't have go back again for the third time. कि उनको बोलने दो तो तीसरी बार नहीं जाता. He would have ignored the voice. हो सकता है वो परमेश्वर की आवाज को भूल रह जाता. He said, if the light let them ring the bell for Monday, tomorrow I will not respond. हो सकता है वो सोचता कि ठीक है उसे बुला ले मेरे कमरे में आके बुलाए ना मैं क्यों जाऊँ. He meant like ignore the voice. I know. हो सकता है आवाज को इग्नोर कर देता, नकार देता. People may say it's a prank. लोग कहते हैं मजाक कर रहा होगा, पक्का मजाक कर रहा होगा. He's pranking with me. मजाक कर रहा होगा जरूर. And the voice that will help you in life, you just destroy that opportunity. तो इसलिए कई बार क्या होता है जो आवाज आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है उसको ना सुनने की जगह अपने जीवन को खराब कर देते हैं. बहुत सारे लोग अपने जीवन के अवसरों को खो देते हैं क्योंकि उनमें धीरज नहीं है. To acquire wisdom will require patience. बुद्धि के लिए धीरज भी चाहिए. Amen. Amen. Let's go to Proverbs chapter 9 verse 20. Niti vachan 9:20. Proverbs chapter 9 verse 20. Sasso 776 page number. 776. Niti vachan 9:20. No. Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20, verse 7. Proverbs chapter 20, verse 7. Niti vachan 20 ka saath. 788 page number. 788. Niti vachan 20 ka saath. Dharmi jo kharai se chalta rehta hai. उसके पीछे उसके बाल बच्चे धरने होंगे. Amen. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Amen. Amen. We should walk in our integrity. We should walk in the way that people will see the power of God in us. तो हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जबकि लोग परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में देखें. And for us to secure that integrity, we need to listen. To the voice of God. और अगर हमें उस धर्मी बने के अंदर जीवन जीना है तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है. Amen. Let's go so to Proverbs chapter 11 verse 14. नीति वचन 11 का 14. Proverbs chapter 11 verse 14. 7 7 8 11 14, right? Yes, 11 14. Proverbs 7:14.
11:14 जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वही प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। Where there is no counsel, people fall. But if they wanted of counselors, there is safety. जब अगर लोग आपको सलाह देते सही सलाह नहीं देते हैं तो आप गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सही सलाह देने वाले आपके जीवन में हैं तो वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। Because sometimes our actions are motivated through our thoughts. कई बार हमारे जो काम है हमारी सोच में पहले आते हैं। Whatever we do comes from what we think. जो भी हम करते हैं पहले वो हमारी सोच में आता है। Before you move out from your house, your mind is already out from your house. आपके घर के बाहर जाने से पहले आपका दिमाग घर से बाहर जा चुका होता है। That our thought is something that conditions whatever that we do. जो भी हम करते हैं उससे पहले हम उसको सोचते हैं। If we want to spend money, first of all, we have to accept it in our heart that yes, I'm going to spend. अगर हम पैसा खर्चते हैं उससे पहले हम दिमाग को तैयार कर दें कि हाँ मुझे इस चीज पे पैसा खर्चना है। If you say no, I'm not going to spend. अगर अपने दिमाग में आप सोच लें कि मुझे पैसा नहीं खर्चना है, you can't do that. तो फिर जेब से पैसा नहीं निकालेंगे। So that thoughts controls every action that you do. तो आपकी सोच, आपका दिमाग आपके कामों के ऊपर कार्य करता है। That is why it's very, very dangerous. तो इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। For us to seek advice from the wrong people. तो गलत लोगों से अगर आप सलाह लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक There are some people who can convince you to go and kill. कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको इतना अच्छा कन्विंस करते हैं कि जाओ उसको मार दो। But God knows that it's very, very important. पर परमेश्वर जानते हैं कि जरूरी है। That's why He said, where there is no counsel. कि सही सलाह देने वाले लोग से परमेश्वर। People always fall. परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ सही सलाह देने वाले लोग नहीं होते, वहाँ सफलता नहीं है। That this is right or wrong. अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको सिखाए कि सही क्या है और गलत क्या है, Most people make mistakes. तो आप गलत ही करेंगे। Amen. Let's go to Proverbs also chapter 12 verse 15. नीति वचन 12 का 15. I'll conclude very soon. 12, 15, Proverbs. नीति वचन 12 का 15 उसी पेज पे हैं. नीति वचन 12 का 12 verse 15. मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है बुद्धिमान है। Amen. Instead, the way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. Amen? Whenever you start to think that whatever you decide is always right, you know you have a problem. अगर आपको ऐसे लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, तो आप गलत भी हो सकते हैं। You know, there are some people you can't advise them in life. कई लोग ऐसे जीवन में होते हैं उन्हें आप सलाह दे ही नहीं सकते। They think that you have no right to talk to them. आपकी तरफ वो बाहर जाएंगे था तो गुस्से में पैसा फेंक दे। तो why did you do that? Why did you keep the money so safe? वो कहते तुम पैसे को संभाल के क्यों नहीं रखते? Because you raise your voice while correcting them. क्यों तुमने देखो अंदर मुझे कितना जोर के बोला तुम्हारे सामान में फेंक दिया। They become more angry. उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। And they take offense with you. वो आपसे गुस्सा करेंगे। Why did you shout me? क्यों उस पे चिल्लाया? Because they think everything why? कहते क्यों बैठ के होते हैं? Because they think that they are always right. उन्हें लगता है जो मैं कर रही हूँ वो सही है। You can't shout me. उन पे चिल्ला के नहीं सकते हो। Whenever you shout, then you take offense. अगर जब भी चिल्ला रहे हो तो तुम गलत ही हो। They don't do their work. Well, you tell them, why didn't you do your work on time? वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम समय पे क्यों नहीं करते हो? They take offense against you. अरे, कि तुमने क्यों तेज आवाज़ में मुझसे बात की? But you don't understand that for us to learn. पर हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमें अपने जीवन में सीखना है, Sometimes it is not the way you think. तो जैसे हम सोचते हैं कि हम सीखेंगे हम वैसे नहीं सीखेंगे। It might come in odd ways. हो सकता है कि वो उल्टी तरीके से सीखे हम। But if you are wise, always listen. अगर आप बुद्धिमान होंगे तो हमेशा आप दूसरों की सुनेंगे। So when you stay and yourself is telling you you are always right. अगर आप ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे सही है। Start counseling immediately. तो आपको सलाह की बहुत जरूरत है। So the Bible says that the way of a fool is always right in his own ways, but he who heeds counsel is wise. Amen. यानी कि मूर्ख को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है. Let's go to James chapter 1 verse 5. याकूब 1 का 5. Epistle of James chapter 1
याकूब का 318 पेज नंबर रह गया, 318 बिल्कुल लास्ट के पेजेस में। James chapter 1 verse 5. याकूब 1 का 5. James chapter 1 verse 5. नया नियम 318 याकूब 1 का 5. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। Amen. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Amen. Yes. If you lack wisdom, you ask of God. But most people don't even require that wisdom is very necessary in their life. बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि बुद्धि भी चाहिए मुझे अपने जीवन में। Advice is very good. कि सलाह अच्छी होती है। If let me use this word right now for you to understand what I mean. If you have a friend, अगर आपके पास कोई दोस्त है, and let's say you have a mount order, and that friend was so, he don't want to hurt you, he always don't want to tell you that you have a mouth order. Don't think that, is that friend doing you of good? अगर कोई आपके पास दोस्त है, अगर आपके मुंह से बदबू आती है और आपका दोस्त आपको ये नहीं बताता कि आपके मुंह से बदबू आती है, तो क्या वो सही कर रहा है गलत? But the friends that tells you, oh, you have a mouth order. लेकिन जो दोस्त आपको बोलते कि अरे तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, that is a good friend. वो अच्छा दोस्त है. Because you will start to run and say, let me go and brush my teeth. If you don't have something, then you start to buy something that will help you to order to face off that problem. तो आपको अपने जीवन में ऐसा कोई ना कोई चाहिए जो आपके जीवन की गलतियों को ठीक करे. Because an advice somebody gives you, sometimes don't take it as insult. कभी-कभी जब कोई हमें सलाह देता है तो हम उसको बेइज्जती समझते हैं. Some people might advise you indirectly. कई लोग आपको अलग तरह से घुमा के सलाह देते हैं. An advice that gives you some kind of pain. और सलाह जब हमें कोई देता है तो हमें बहुत दुख लगता है. Is the advice that changes you. लेकिन वो सलाह ही है जो हमारे जीवन को बदलती है. The advice that made you to be angry. लेकिन वो सलाह हमें कई बार गुस्से में भी ले आती है. Is that advice that changes you. लेकिन वही सलाह है जो आपके जीवन को बदलती थी. Or when somebody tells you. कोई अगर आपसे कहे. Like a friend of mine. कोई दोस्त अगर हो मेरा. There was a time that another friend told me, oh, you dress like a football coach. Then that is when he started to look towards his dressing. He started to change his dressing. But he got offended that day. Whenever he dresses, he comes and says, do I look like a football coach? जब भी वो कपड़े पहनते थे, आज भी वो फुटबॉल खेल रहे थे, ना भी लग रहा? Because somebody have told you something which you need to correct in life. कि कोई कई बार आपको लोग करेक्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको जो चीजों को बदलने की जरूरत है जीवन में. There are some hairstyles that does not fit you. कई ऐसे हेयरस्टाइल होते हैं जो आपके बहुत बुरे लगते हैं. But let someone who is bold come and tells you, oh, you look like Osama bin Laden. तो यहाँ से कह रहा है, तो Osama bin Laden की तरह लग रहा है, अपने बाल ठीक कर ले. That word may not go away from your mind. वो बात आपके जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं. Next time you will try to see, oh, this one. अभी वो बार बार दर नहीं यार, ये वाले ठीक नहीं. You will try to find something that is so beautiful that. आपके नए नए फिर अच्छे वाले बाल बनाऊंगा. So you see the power of advice. तो आप देखिए सलाह का सामर्थ्य. That is the power of wisdom. बुद्धि मिलती है उसके द्वारा. When people tell you something, sometimes I get offended. लेकिन जब हमें लोग बताते हैं तो हमें बुरा जरूर लगता है. And wise people take those things. लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हो उसे बुरा नहीं लगेगा, वो सलाह को ले लेगा. Analyze them. और समझेगा उस चीज. You may find something. अगर आप कुछ देखें. That will help you to build your life. जो आपके जीवन को अच्छा कर रहा है. Advice, it is not a command. सलाह का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आज्ञा है करना ही पड़ेगा. It is something that gives to you, then you feel that then. तो कोई चीज ऐसी है, सलाह किसी ने दी कि उसको समझे, उसका चुनाव करे, उसको साफ करे कि हाँ कितना सही और कितना गलत, वो आपके ऊपर सोचने के लिए. The words that will help you to take them. सलाह तो is of no use, you throw them away. लेकिन कई बार ऐसे भी सलाह तो बहुत लोग देंगे, लेकिन जो
अच्छी उसे रखो जो खराब उसे फेंको. So advice is wisdom. तो सलाह ही बुद्धि है. That's why God says if you lack wisdom. इसलिए परमेश्वर कहता है अगर बुद्धि की कमी है आप में. Ask God. परमेश्वर से मांगो. But if you don't even understand that in your life you need wisdom. लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे जीवन में बुद्धि की जरूरत है. Then you always lack wisdom. तो फिर हमेशा जीवन में पीछे ही रहेंगे. Most people lack wisdom because they don't know that wisdom is a weapon. बहुत सारे लोग अपने जीवन में असफल इसलिए हैं क्योंकि उनको नहीं पता बुद्धि एक हथियार है. आप सोचते हैं कई लोग अपने जीवन में इतना जल्दी जल्दी कैसे सोच लेते हैं? How do they achieve this? कैसे अपने जीवन में इतने सफल हो गए? Why they sell and me I have not. अरे मेरे जीवन में तो इतना मैंने कुछ नहीं पाया इसने कैसे पा लिया इतने कम समय में? Because they have wisdom. क्योंकि उनके बुद्धि है. You might be doing same business with someone. आप हो सकता है एक जैसा ही व्यापार कर रहे हो किसी के साथ. But in that business is really doing so fine. वो व्यापार अच्छा चल रहा है. But same business, you are not. लेकिन कोई और इंसान बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे. So wisdom is applying in his business which you are not. क्योंकि कोई इंसान उसमें बुद्धि लगा रहा है व्यापार में आप नहीं लगा रहे. God knows that wisdom is all. परमेश्वर को पता है कि बुद्धि ही सबसे बड़ी चीज है. Your prayer ask God to give you wisdom. आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे. With wisdom you can reach anywhere you want. क्योंकि अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में आप जो कुछ चाहते हैं सब कुछ पा सकते हैं. In your offices you may start one journey with people. अपने काम के अंदर लोगों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं. But then they have resource ranks which you are not. हो सकता है कि बाकी लोग तो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं आप ना कर पा रहे. You may be more educated, you will be more smart, you may be, you have more marks even than them. हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज में उनसे कहीं ज्यादा नंबर भी आए हो. But you keep getting promotion. लेकिन फिर भी प्रमोशन उनको मिल रहा आपको नहीं मिल रहा. That means there is something they apply which you are not. तो ऐसा कुछ तो है जो वो कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे. So wisdom is the key. तो बुद्धि ही चाबी है. That was what Jesus used in saving you and I. और यीशु ने इसी चीज का इस्तेमाल किया और आपको और मुझे वो आज यही सिखा रहे हैं. Sometimes he did not wait for people to give him wisdom. कई बार आप इंतजार ना करें कि लोग आपको बुद्धि देंगे. Jesus ran to get wisdom. यीशु खुद भागे आराधनालय में बुद्धि मांग. Jesus was looking where I can get wisdom. यीशु ढूंढ रहे थे कहां मुझे बुद्धि मिल सकती है. What in the life? That's why Jesus said, without that wisdom, you couldn't change the world. यीशु को भी पता था कि बिना बुद्धि के मैं जीवन को और दुनिया को नहीं बदल सकता. With wisdom, Jesus was able to change the world without a bullet on the head. और आप देखिए बुद्धि के द्वारा ही यीशु ने दुनिया को बदल दिया. उनको कोई हथियार कोई बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी. People change the world today through bombs, through missiles, but Jesus changed this world without even a bullet on the head. आज लोग बॉम्ब और मिसाइल से दुनिया को बदलते हैं लेकिन यीशु ने बिना एक गोली चलाए दुनिया को बदल दिया. His word, the weapon that Jesus had was this wisdom. तो यीशु के पास क्या हथियार था जिसने जीवन को बदला? वो है बुद्धि. He was wisdom. He was preaching. तो प्रचार कर रहे थे. He converted millions, billions of people over. उन्होंने आज करोड़ों हजारों लोगों को बदल दिया. There was no one at gunpoint. कोई भी ऐसे नहीं कि बंदूक पे आ रहे मानोगे कि नहीं मानोगे मुझे. Jesus did not force anyone through gun. यीशु ने बंदूक की. If you don't believe, I will kill you. यीशु ने ये नहीं बोला अगर तू विश्वास नहीं करेगा ना मैं गोली से उड़ा दूँगा. No, wisdom was the bomb that Jesus used. लेकिन यीशु ने बुद्धि का इस्तेमाल किया. That's what he was telling us today. और वो आज मैं यही कह रहे. Seek wisdom. कि पहले बुद्धि ढूंढो. Ask wisdom. परमेश्वर से बुद्धि मांगो. With wisdom, you can change your life and change the life of others. बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को आप बदल सकते हो. With wisdom, you can know what other people don't know. बुद्धि के द्वारा आप ऐसा कुछ जान सकते हो जो बाकी लोग नहीं जानते. With wisdom, you will find out that every advice is not an insult. तो आप बुद्धि के द्वारा ये जानेंगे कि हर सलाह बेइज्जती नहीं होती. But you shouldn't take offense on anything that people say. और जब वो लोग सलाह दे तो आपको फिर गुस्सा नहीं होना है लेकिन छानना है. If you have wisdom, you always listen to people. अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप लोगों को सुनेंगे लेकिन छान कर उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे. That's what Jesus was telling. यीशु ने यही किया. Last but not the least, let's go to Isaiah chapter 30. यशायाह 30वां अध्याय. Isaiah chapter 30, after this I'll conclude. Isaiah chapter 30 verse 1. Yeshua is Isaiah chapter 30 verse 1. Also, unchas page number purana niyam 849, 31, 30 verse 1. Adhyay 30 pehla vachan. Look, Isaiah chapter 30 verse 1. Yeshua 30 ka 1. Isaiah 30 verse 1. यशायाह 30 का 1.
यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु आत्मा से सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते रहते हैं। Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel but not of me, and who devise plans but not of my spirit. Amen. Amen. This is the word that I leave to you today. The rebellious children, the God is talking about. If you are listening to people, but it's not of the good thing, अच्छी चीज है, बुरी चीजों की सुनते हैं, तो आप परमेश्वर के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। When somebody tells you, oh, why you don't smoke? अगर कोई आपसे कहता है, अरे तू सिगरेट क्यों नहीं पीता, भाई पीना शुरू कर। Ah, this is your age. अरे तेरी उम्र यही तो है सिगरेट पीने की, तो पीना शुरू करेगा बुढ़ापे में। Why you don't drink? अरे शराब क्यों नहीं पीता? This is the age. अरे यही तो उम्र है जवान। Who take such advice? जो ऐसी सलाह को लेते हैं। You are the rebellious people. तो आप परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जीते। Because it is not of God. क्योंकि आप परमेश्वर की तरफ से सलाह है ही नहीं। Because those things are not of God. ये चीजें परमेश्वर के अनुसार पवित्रता में है ही नहीं। Why you are not in our group? तुम हमारे ग्रुप में क्यों नहीं हो? We are gunda group. हमारा गुंडा ग्रुप है, गुंडा ग्रुप है। Let's go and collect tax. चलो जाके लोगों से पैसा उठाओ। Come and join us. चलो चलो हमारे साथ चलो। But you go to families, you threaten them. और आप लोगों के परिवार के पास जा रहे हो, उन्हें धमका रहे हो। You threaten to wipe out their children. और अगर तुम्हारे बच्चे को उड़ा देंगे, पैसा दे दो। If they don't pay you money. पैसा नहीं दिया तो। And you listen and enjoy. और आप कहते हो अरे तो बड़ा अच्छा ग्रुप है, आप भी ज्वाइन कर लेते हो। तो आप परमेश्वर के उल्टा काम कर रहे हो। Because you don't get the counsel of the things that is of God. क्योंकि जो चीजें परमेश्वर की ओर से पवित्रता और होली जीवन जीने की है वो नहीं है। You don't get counsel of the things of the spirit of God. लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार तो जीवन नहीं जी रहे हो। When you seek wisdom, seek wisdom of the things of God. अगर आपको बुद्धि चाहिए तो बुद्धि ऐसी जो परमेश्वर के अनुसार कार्य करे। When somebody tells you love your neighbor as yourself. अगर आपको कोई आपसे कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, forgive those that wrong you. जो गलत करते हैं उन्हें माफ करो, help the homeless. जिनके पास घर नहीं है उनकी मदद करो, teach people what you know. जो आपको पता है वो लोगों को सिखाओ, give sympathy to people. Help. लोगों की मदद करो, in the work of God. परमेश्वर के कामों में. Do not kill. लोगों को मारो मत. Do not destroy. लोगों को नष्ट मत करो. That is the things that God requires of us. परमेश्वर हमसे ये चीजें चाहते हैं. And the fear of God, और परमेश्वर का डर, which is the beginning of wisdom, जो समझ के शुरुआत है। When you begin to fear God, जब आप परमेश्वर के डर में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, that is the beginning of wisdom, वहीं से आपके जीवन में बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। That is what God, ये परमेश्वर ने कहा है, is telling you and I today, आपको मुझे कह रहे हैं आज। As we see Solomon, तो जैसा ने सुलेमान को देखा, Solomon asked for wisdom, सुलेमान ने बुद्धि मांगी। Where he had the opportunity to ask for any other thing. जबकि उसके पास अवसर था अपने जीवन में हर एक चीज को मांगने का। He said, "God, give the wisdom." उसने कहा, नहीं परमेश्वर धन मत दो पर बुद्धि दो। We see Jesus at the age of 12. हम यीशु को भी देखते हैं 12 साल की उम्र में। He went वो रात में ले गया। To seek knowledge. बुद्धि मांगने। He left the parents. उसने माता पिता को भी छोड़ दिया बुद्धि के लिए। He was not among the drunkards. वो शराबियों के साथ नहीं घूमता था। Jesus was not among the gamblers. यीशु जो जुआ खेलते उनके साथ नहीं घूमता था। He was not among the gluttons. गुंडों के साथ भी नहीं घूमते थे। He was not among the moral people. या जो लोग गलत व्यभिचार करते उनके साथ भी नहीं घूमते थे। But he was in the temple. लेकिन वो आराधनालय में थे। He was not asking for wages and salaries. वो पैसा नहीं मांग रहे थे वहाँ खड़े होकर। He was there just for wisdom. सिर्फ बुद्धि के लिए वहाँ खड़े हुए। इससे हम ये सीखते हैं कि बुद्धि हमारे जीवन में कितना जरूरी है। Eli was there teaching Samuel. एली ने भी शमूएल को क्या सिखाया? This is the voice of God. कि ये परमेश्वर की आवाज़ है उसे सुनो। Whenever you hear this voice, speak. The servant will listen. जब भी इस आवाज़ को सुनो तो बोलना कि परमेश्वर तुम्हारे सेवक के लिए है। शमूएल के जीवन में जो बुद्धि की कमी थी वो एली के द्वारा उसके जीवन में आई। We have to ask ourselves. तो हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। Am I thirsting for knowledge?
क्या मैं सच में बुद्धि की खोज में हूँ? You have to ask yourself. अपने आप से पूछो. How do I react when people advise me? जब लोग मुझे सलाह देते हैं तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? What is my reaction when people tells me the bad aspect of my life? जब मेरे जीवन में जो जो चीजें बुरी हैं, जब कोई मुझे बताता है कि तू ये गलत कर रहा है, तो मैं कैसे बर्ताव करता हूँ? Strong knowledge is life. बुद्धि चाहिए जीवन में. Whenever people in those days, God, Jesus had the opportunity to go to the temple. उस दिन यीशु के पास अवसर था आराधनालय में जाने का. Someone had the opportunity for God to come and talk to him. सुलेमान के पास अवसर था कि परमेश्वर ने आके उससे बात करी. But the world has changed. लेकिन अब दुनिया बदल गई है. God comes to all to our neighbors, to our friends. अगर परमेश्वर हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे घर के लोगों के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा हमसे बात. Our knowledge comes from somebody sitting beside you. हो सकता है जो आपके साथ रहता हो उसके द्वारा आपके जीवन में बुद्धि आए. Where are you walking? जहाँ काम कर रहे हैं, your friends, your relatives, माता पिता के रिश्तेदार, even your enemies, वो तो तेरे पर दुश्मनों से भी अच्छी सलाह आती है. How do we react? कैसे हम उस पे रिएक्ट करते हैं? That is what God is saying us today. परमेश्वर हमें साथ यही कह रहे हैं. Patience is wisdom. कि धीरज चाहिए बुद्धि पाने. Advice is wisdom. सलाह पाने के लिए भी पाते हैं तब बुद्धि के द्वारा. अपने दुश्मनों से भी आप सीख सकते हैं. You can get it from your friends. अपने दोस्तों से भी सीख सकते हैं. Always listen. सुने. To those who survive in life. जो जीवन में आगे बढ़ते हैं. They live with wisdom. वो बुद्धि के द्वारा ही बढ़ते हैं. They live with advice. वो सलाह के द्वारा ही बढ़ते हैं. No ruling president on this earth. कोई भी इस समय बड़ा व्यक्ति जो दुनिया में है. Has no advice. उसके पास ऐसा नहीं कि सलाह देने वाले नहीं है. Every president has somebody that talks to him every morning. हर राष्ट्रपति के पास ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह उनको बात करते हैं और सलाह देते हैं. On every issues. हर किसी छोटी से बड़ी बात पर. Prime Minister Modi, every morning. मोदी के पास भी. He has special advisors. उसके पास भी काउंसल करने वाले लोग बैठे हैं. On every sector. हर जगह के. Special advisors. बैठे हैं कुछ लोग जो सलाह उसको भी दे रहे हैं. North East people, how can we do North East to be more better? कि कैसे मैं और बेहतर हूँ, कैसे मैं इन गलतियों को ठीक करूँ? How can we do about GST? How can we do about agriculture? GST या agriculture में कैसे अच्छा अच्छा करना है? Petroleum sector. ये petroleum sector में क्या करना है? How can we do about women empowerment? या women empowerment कौन सा कहती है? Every morning somebody talks to me. कोई ना कोई तो उसको रोज सुबह सलाह देता है कि आज तुम ऐसे करो, इसको इससे बेहतर बनाओ. You have the power to solve your problems. और अपनी परेशानियों को आप खुद सुलझा पाएं. To those who have wisdom. क्योंकि जिनके पास बुद्धि है. They will never ever be surpassed by their problems. क्योंकि वो अपनी परेशानियों में फंसे नहीं रहेंगे. To those that have wisdom. जिनके पास बुद्धि है. They will always have strength to maneuver their problems. उनके पास सामर्थ्य भी है अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का. To those that have wisdom. जिनके पास बुद्धि है. They never sit down and complain. वो शिकायतें नहीं करते. To those that have wisdom. जिनके पास बुद्धि है. They stand up to their challenge. जबकि चुनौती आती है, चुनौती में वो खड़े रहते हैं. जिनके पास बुद्धि नहीं, they always cry, वो रोते रहते हैं, always complain, शिकायतें करते हैं, they always commit suicide, और आत्महत्या करते हैं, because they believe there is no other way. क्योंकि कहते कोई रास्ता तो नहीं, चलो मरी जाओ. Those that have wisdom, लेकिन जिनके पास बुद्धि होती है, God is their strength, परमेश्वर आपका सामर्थ्य है. To those that have forgotten that they need wisdom, जो लोग भूल गए हैं कि उन्हें बुद्धि की जरूरत है, stand up and ask for wisdom, तो खड़े होकर परमेश्वर से बुद्धि जरूरी है. They need to survive, क्योंकि आपको जिंदा रहने की बुद्धि की जरूरत है. Need to face people in life, लोगों को सामना करने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है. योर फैमिली, अपने परिवार में भी आपको बुद्धि की जरूरत है. योर मैरिज, अपनी शादी में भी आपको बुद्धि की जरूरत है. गो फॉर इट, ये चाहिए ही आपको. एंड यू विल सी अ चेंज, और तभी अपने जीवन में आप बदलाव देखेंगे. इन जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य भरे नाम में. आमेन.